हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्पीडोमीटर है, इसके जो डिटेल्स है, जो भी अपने को बताता है, ये जो पेट्रोल है, सर्विस की लाइट है, जो भी इसमें फंक्शंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जब भी अपन गाड़ी की को ऐसे ऑन करते हैं गाड़ी को, तो इसमें बहुत सी लाइटें एक साथ बताती है आपको, यहाँ पे भी और वहाँ पे, जो छोटी सी दे रखी है इसको, यहाँ पे भी आपको दो लाइट बताती है। तो हम बात करेंगे अब इसकी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक तो ये हैंड ब्रेक का बता रखा है, और ये पार्किंग दोनों का, जो हैंड ब्रेक जब अपना ओपन एक्टिवेट रहता तब ये बताता, जैसे कि मैं हैंड ब्रेक को डाउन करता हूँ, ये दोनों गायब हो गई। दूसरी है इंजन की, तो जब गाड़ी ऑन रहती है तब इंजन का बताता है, तो जैसे मैं गाड़ी को ऑन करूँगा स्टार्ट, तो हट जाएगा ये अभी, ये देखो जैसे मैंने गाड़ी को ऑन करा ये लाइट हट गई, ठीक है। और ये जो ये वाली लास्ट वाली लाइट है, ये है सीट बेल्ट की, जब अपन सीट बेल्ट लगाते हैं तब ये लाइट हट जाती है, जब सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो अपना ये अपना आप इंडिकेशन करने लग जाती है। जब मैंने सीट बेल्ट लगाया अभी, ये देखो ये लाइट चली गई, जैसे मैंने सीट बेल्ट लगाया ये लाइट चली गई, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें पहले आपको टाइम बताता है, फिर आपको जो जितना गाड़ी में फ्यूल है उसके बारे में बताता है, टोटल ओवरऑल जो किलोमीटर है वो बताता है, और ये जो चीज़ है इसका आरपीएम है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो दो दो बटन दे रखे हैं, एक है क्लॉक का और एक है ट्रिप का। जब अपन ट्रिप को दबाएंगे तो इसमें ट्रिप ए आएगा, एक बार फिर जब दबाएंगे तो इसमें दूसरा ट्रिप बी आएगा। तो अगर अपन फिर से ट्रिप वन पे आते हैं, जैसे कि ए पे, तो इसको अगर मैं होल्ड करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं जब वापस ट्रिप बी पे जाऊंगा, इसको भी होल्ड करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएंगी। फिर वापस इसको एक बार और दबाएंगे तो ये फिर से ओवरऑल जितने भी किलोमीटर चलिए उतने उसके ऊपर वापस आ जाएंगी। दूसरा बटन है इसमें क्लॉक का, इसको अपन अगर दबा के रखेंगे तो यहाँ पे क्लॉक आप जितने भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं, ये मतलब जो और मिनट दोनों, ठीक है। और फिर बाद में जब गाड़ी में फ्यूल लो होता है तो यहाँ पे जो ये वाली लाइट है इधर आपको इंडिकेशन देती है कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है। एंड गाइस, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को ये पूछते देखा है कि भाई ये जो लाइट है ना, ये वाली इंजन चेक लाइट जो मतलब गाड़ी के ऊपर ये बना आ रहा है, तो बोलता है कि ये मतलब क्यों आता है और ये हटता क्यों नहीं है। तो इसका गाइस जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है ना, अगर आप जब तक गाड़ी की सर्विस नहीं कराओगे ना, या फिर जब गाड़ी सर्विस मांगती है ना, तब ये जो साइन है ये आता है। जब मतलब गाड़ी सर्विस पे होती है ना तब ये साइन आता है इसका, बाकी दूसरा ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। जब आप गाड़ी की सर्विस कराओगे ना तब ये इशू हट जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में आता है इसका जो स्पीडोमीटर है, इसका जो टॉप स्पीड है 180 की बता रखी है, इसमें जो भी इंडिकेशन थे मैंने आपको सारे बता दिए। ये फिर से आपको ये इंजन चेक लाइट आती है, इसके बारे में लोग बहुत पूछते हैं कि हटती क्यों नहीं है। तो ज़्यादातर जैसे अभी मेरी गाड़ी में बता रही, तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो इंजन लाइट हट गई, और ये आरपीएम जैसा आप एक्सीलरेट करेंगे गाड़ी को तो ये आरपीएम ऐसे ऊपर बढ़ता रहता है। तो अगर और भी आपको कुछ जानना हो गाड़ी के बारे में, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसमें और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दोनों हैं ये इंडिकेटर के हैं इसके, ये मैं से एक मिनट, ये राइट वाला, ये इसका लेफ्ट वाला, ठीक है। और जब अपन हैजार्ड लाइन ऑन करते हैं यहाँ से, तो ये दोनों एक साथ जलने लग जाते हैं, ठीक है। ये मैं अभी इसको बंद करता हूँ। फिर बाद में इसका ये है फॉग लाइट का, एक मिनट, ये जो लिखा है ना ऑन और ऑफ, ये है इसका फॉग लाइट का, मैं आपको बताता हूँ अभी। अब इसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे सारा साइन आ जाएगा, ये जो है ये साइन ग्रीन वाला, ये इसका फॉग लाइट का कि भाई फॉग लाइट ऑन है गाड़ी की, ठीक है। इसको मैं ऑफ करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। फिर बाद में इसका ये ऑन करूँगा तो ये है इसका जो हाई बीम है गाड़ी इसके ऊपर होगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे नीचे की तरफ करूँगा तो ये गाड़ी लो बीम पर हो जाएंगी, ठीक है। तो वापस हेडलाइट को बंद कर देता हूँ, हेडलाइट बंद करूँ, अब जैसे मैं हेडलाइट को बंद करूँगा तो इसका जो स्टीरियो की लाइट से ये भी बंद हो जाएंगी, और जो ये मीटर की जो इसका स्पीडोमीटर है इसकी भी लाइट बंद हो जाएगी। जैसे मैं इसको वापस ऑन करूँगा तो ये दोनों लाइट फिर से ऑन हो जाएंगी।
और तो और जो बेसिक जो चीज़ें गाइस जो मैंने मतलब जो आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दी। इसमें और भी बहुत सारी लाइट शो करती है, इसमें कूलेंट की, टेम्परेचर की, बहुत सी इसमें है। यहाँ पे जितनी भी लाइट्स है सारी यहाँ पे चलती है। तो इसमें मतलब जैसे जो भी अगर आपके प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन के थ्रू आपको बता देगी गाड़ी, ठीक है गाइस। और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट करना वीडियो पे। और जो बहुत से भाई जी ने पूछ रहे रिव्यू का कि गाड़ी का फुल रिव्यू डालो, तो उस पर भी गाइस मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, जिसमें मैं चाहूँगा कि आपको पूरी एक से एक डिटेल दूँ गाड़ी की कि भाई गाड़ी में कौन सा फीचर है, जो भी इंजन वगैरह जो भी जितनी भी डिटेल है सारी मैं आपको उस जो रिव्यू वाला वीडियो आएगा ना गाड़ी का उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जो भी भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।